हाय गेट सबका ऑटो वाले अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ, ये देख सकते हैं ये गेट ही पीछे है और मैं पार्किंग में खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं अभी थोड़ा लाइट अच्छा है और ये मेरी गाड़ी यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मैंने जो है शैतान मूवी देख ली है। बाहर जो है हमेशा जो है बाहर मैं बनाता हूँ वीडियो, लेकिन आज कुछ अलग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शैतान मूवी पे। शैतान मूवी एक जो है रिमिक है और गुजराती मूवी की रिमिक है। गुजराती मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही और उसकी ही ये रिमिक बनाई गई है। मैं गुजराती मूवी देखा नहीं था और जो गुजराती मूवी जो जिसकी रिमिक बनी है वो अगर नहीं देखे हैं तो ये मूवी उन्हें अच्छी लगेगी। तो मुझे अच्छी लगी और स्टार्टिंग से लेकर के आज तक जो है जितनी भी देख सकते हैं, ट्रेन भी जा रही है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पार्किंग के ही बाजू में रेलवे ट्रैक भी है। तो अजय देवगन, आर माधवन, जितने भी कास्ट है इसके अंदर सबके काम अच्छे हैं। ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है इसमें, लेकिन मूवी इतनी इंटरेस्टिंग बनाई गई है कि आप जो है मतलब पूरे के पूरे सीट पर बन के बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठा। दोस्तों एक बात मैं मानूंगा कि आज तक जितनी भी हॉरर मूवी मैंने देखी थी, जितनी भी, कि कौन राम गोपाल वर्मा की, फिर उसके बाद भूत मूवी, बहुत से ऐसी मूवी देखी थी, लेकिन ये मूवी हट के बनाई गई है। आज तक का जो है मैं जो हॉरर मूवी में लास्ट में जो है त्रिशूल घोप दिया भगवान का, फिर कहीं जला दिया, कुछ और कर दिया, ऐसे करके है। लेकिन यहाँ पर जो एंडिंग जो दिया गया है ना, बहुत अलग और बहुत ख़तरनाक दिया गया है। एंडिंग अलग तरीके से दिया गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका क्लाइमेक्स की क्लाइमेक्स है, लेकिन सबसे पहली बात है कि इस पर थोड़ी चर्चा किया जाए कि थोड़ी बहुत स्टोरी हल्का फुल्का लिया जाए, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आप देखोगे नहीं। पहली बात क्या है, ये मूवी शैतान मूवी जो है एक मैसेज क्या है, मैसेज एक है एक फैमिली के लिए। अगर फैमिली में बच्चे हैं, दो तीन बच्चे हैं, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए या और कहीं कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कोई भी अनजान आदमी, अनजान व्यक्ति, कोई भी अगर कोई ऐसी चीज़ देता है खाने के लिए, लड्डू देता है, पेड़ा देता है या बिस्किट, कोई भी चीज़ देता है, तो वो अनजान आदमी के हाथ से कभी भी खाना नहीं चाहिए। जादू टोना वशीकरण, ये इसी से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये अभी तो ऐसे कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन ये जो है इसमें बताया गया है कि वशीकरण और जादू टोना है और वो जो है अपने बस में करके कई लड़कियां को गुमराह करते हैं, लेके जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ अलग दिया गया है, बलि नहीं कुछ अलग करते, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप क्लाइमेक्स में देखिए। मूवी अच्छी है, पूरी फैमिली ज़रूर ये पूरी फैमिली बैठ के देखनी चाहिए। क्यों, उन्हें एक मैसेज मिलेगा और एक अच्छी, अगर गुजराती फैमिली है तो गुजराती में देख लिए होंगे, लेकिन हिंदी में जो है अगर आपने गुजराती भी नहीं देखा है तो ये मूवी हिंदी में देखिए, क्योंकि अजय देवगन ने भी अच्छे काम किए। क्योंकि रिमिक के ऊपर भी उनकी आज तक कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं गई। ये मूवी को मैं हिट या ब्लॉकबस्टर तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन एक बात यह है कि ये पब्लिक थिएटर पूरी फुल नहीं होगी, लेकिन कोई भी शो खाली भी नहीं रहेगा। 200, 250, 300, 400 ये करते करते हिट मूवी होगी। ये इसके जितने भी कम बजट में बने हैं उससे 4 गुना ये पैसा मूवी कमाएगी, क्योंकि आज का जो है कलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, आज का अच्छी खासी कलेक्शन करेगी, 10 के ऊपर ही इसका होगा, क्योंकि 5 करोड़ ऑलरेडी इसने एडवांस बुकिंग कर लिया था। तो दोस्तों 10-12 भी हो सकता है, क्योंकि ये जैसे जैसे जो है रिस्पॉन्स आएंगे पब्लिक देख, जैसे मैं देखा मुझे अच्छी लगी। ये कोई ज़रूरी नहीं सवेरे का शो देखो या फ्रेश शो देखो, शो कभी भी देखो, सही जानकारी और सही कमेंट रहना चाहिए। तो ये है कि मुझे अच्छी लगी मूवी, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इतनी अच्छी, लेकिन एक बात यह है कि ये मूवी हटके है। आज तक आपने जो भी शायद हॉरर मूवी देखी होगी उससे पूरी हटके है। वशीकरण अलग तरीके से है और काबू में कैसे करते हैं उसे, फिर उसे उसके ऊपर काबू कैसे करते हैं, फिर इसका क्लाइमेक्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये जो है हटके। तो दोस्तों इस मूवी को जो है शैतान मूवी को मैं पूरे के पूरे देता हूँ, टेलर को भी दिया था, इसे भी देता हूँ, तो पूरे के पूरे 4 स्टार देता हूँ दोस्तों, क्योंकि पब्लिक को ये मूवी पसंद आएगी। दोस्तों बस इतना ही, मैं चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।
जय हिंद।